हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली का चुनाव लेकिन बिहार की राजनीति में भूचाल। हम बात कर रहे हैं जेडीयू पार्टी की, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि दिल्ली में समझौता या एक साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था जेडीयू और बीजेपी को। पवन जी, आपने कहा कि साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। नीतीश कुमार कह रहे हैं जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मेरा पत्र अगर आप पढ़ें तो उसका बुनियादी संदेश ये था कि पार्टी में एक वैचारिक स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसके पहले कि हम निर्णय ऐसे लें जैसे कि अब लिए हैं, जहां अब तक हमारा गठबंधन बिहार तक ही सीमित था, पर उसको हमने अब विस्तार दे दिया है दिल्ली में भी गठबंधन करके, इसके पहले एक वैचारिक स्पष्टीकरण की जरूरत है, जो कि जदयू के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमेशा विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है और नीतीश जी खुद विचारधारा के धरोहर रहे हैं। मैंने ये कहा कि आप जैसे इस वक्त एक मिसाल के ही तौर पर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है सीएए और एनआरसी के खिलाफ। हमने सीएए का तो समर्थन करा संसद में और हमने कह दिया एनआरसी को हम नहीं लागू होने देंगे, जबकि बीजेपी कहती है कि सीए के बाद एनआरसी लागू होगा इसी क्रम में और पूरे देश में कार्यान्वित होगा। अब हम बीजेपी के साथ हैं कि उसके खिलाफ हैं? इन चीजों पर, और ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, पार्टी के अंदर एक वैचारिक क्लैरिटी अगर हो जाए, इसके पहले कि हम एडहॉक राजनीतिक निर्णय लेते रहे। अकाली दल जैसी पार्टी भी जो कि इतनी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है बीजेपी की, उसने कहा कि दिल्ली में हम गठबंधन नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि हम आपके साथ पूर्णतः सहमत सीएए पर नहीं है। अगर अकाली दल ये कर सकती है तो जदयू क्यों नहीं कर सकती? तो मेरा सिर्फ आग्रह ये था नीतीश जी से कि एक वैचारिक स्पष्टीकरण हो, और अगर आज नीतीश जी ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि पार्टी के अंदर विचार विमर्श होना चाहिए और उसकी जगह, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सर, जिस तरीके से सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, इस पर जो है आपका और प्रशांत किशोर का जो है रुख सामने आया है। पार्टी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सपोर्ट कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो क्या आपकी और प्रशांत किशोर की बात हुई है कि नहीं हमारा ये स्टैंड होगा, पार्टी का भले ही जो है कुछ भी स्टैंड हो? देखिए, प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव। बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग की बातचीत होती ही नहीं है, और ये भी सच नहीं है कि हमने बातचीत करके ही अपने कदम उठाए हों। उनकी भी एक राय है, मेरी भी एक राय है, एक लोकतांत्रिक पार्टी में कई राय के लिए जगह है, पर उन राय को एक साथ सिंथेसाइज करना यानी उनमें तालमेल बैठाना, उसके लिए पार्टी के अंदर विचार विमर्श होना जरूरी है। नीतीश कुमार ने वो नहीं किया और अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लिया। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को लेने के लिए विचार विमर्श होना चाहिए था, वो अब तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तभी तो मैंने जो मिसाल आपको दी है उनमें ये विरोधाभास है। और इस सबके बीच में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि आप लोग जो पार्टी लाइन से अलग हट करके लाइन ले रहे हैं, किसी और राजनीतिक दल के साथ में है क्या? न तो हमने किसी राजनीतिक दल से बात की है, न अभी तय किया है कि हम किसी और राजनीतिक दल में जाएंगे। मैंने तो दो पत्र लिखे जी, उनके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और मैंने सार्वजनिक पत्र तभी लिखा जब मैंने पहले निजी स्तर पर नीतीश जी से बात करी थी सीएए और एनआरसी को लेकर के। मेरी राय या मशवरा को उस वक्त नजरअंदाज किया गया, तभी मैंने उनसे एक सार्वजनिक स्तर पर अपील या आग्रह की है। मतलब एक आखिरी सवाल, आज के बयान के बाद में, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद में अब क्या रुख होगा? शुभकामनाएं तो दे दी हैं आपको उन्होंने। मेरा, मैं नीतीश जी का निजी स्तर पर भी और वैसे भी, वो मेरे कर्म फरमा रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर ये निजी
कोई निजी विरोध की बात ही नहीं है। इसमें तो मैंने बुनियादी महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टी के हित में उठाए हैं, और मेरे और नीतीश जी के अपने जो रिलेशंस हैं वो मैं समझता हूँ सम्मानपूर्वक है। यानी साफ तौर पर ये है पवन वर्मा जी, जिनका ये कहना है कि पार्टी में एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी जो नहीं थी, और उसी क्लैरिटी की मांग को लेकर के चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार को, और अभी भी उम्मीद करते हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए जिससे कि पार्टी के लोगों के बीच में एक क्लियर मैसेज हो कि आखिर पार्टी की CAA, NRC और NPR जैसे मुद्दों पर राय क्या है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।